हिमाचल के विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में आज यानी रविवार के दिन श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर के कपाट 4 बजे खोल दिए गए। अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की माता जी के दर्शनों के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई। पहले मंदिर न्यास के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर श्रद्धालुओं को पंजीकृत किया गया और फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर भेजा गया। आज रविवार के दिन मंदिर में सुबह से ज्यादा भीड़ है, इसलिए हमने होमगार्ड के सभी जवान तैनात कर दिए जगह जगह, और मंदिर से लेकर नीचे तक हमने सिंगल लाइन लगवाई है और लाइनों में ऊपर भेज रहे हैं, और जिसमें लाइनों में हमने हर यात्री का डिस्टेंस रखा हुआ। कोविड-19 के चलते मंदिर में प्रसाद चढ़ाने में और पूजा अर्चना करने पर मनाही है। श्रद्धालु मात्र मां नैना के दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। हालांकि श्रद्धालुओं को दर्शन करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों और होमगार्ड के जवानों ने मोर्चा संभाले रखा और सोशल डिस्टेंसिंग में सैनिटाइज करके श्रद्धालुओं को अंदर जाने दिया गया। रविवार का दिन है और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है माता नैना जी के दरबार में, और सुबह 4 बजे से माता जी के दर्शन यात्रा श्रद्धालुओं को कराए जा रहे हैं, और पूरी व्यवस्था जो है होमगार्ड जवान और सुरक्षा गार्डों ने संभाल रखी है, और समय समय पर हमारे टेंपल के एम्प्लॉइज भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। जय माता दी। या तो रख साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।